How James Webb Space Telescope proving Stephen Hawking theory of multiverse right? There is no creator. ये बात कही थी महान वैज्ञानिक और साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने। स्टीफन हॉकिंग्स का मानना था कि भगवान या इस दुनिया को बनाने वाले का कोई अस्तित्व ही नहीं है। स्टीफन हॉकिंग्स का ये भी कहना था कि हमारे अलावा इस यूनिवर्स में टाइप 2 सिविलाइजेशन भी मौजूद है, जो हमसे ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अपने पास रखती है। और हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि बिग बैंग से बहुत सारे हमारे यूनिवर्स की तरह और भी दूसरे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स ने ये सारी बातें अपने किन रिसर्च के आधार पर कही, और जेम्स वेब टेलीस्कोप स्टीफन हॉकिंग्स की मल्टीवर्स की थ्योरीज को किस प्रकार से लोगों के सामने क्लियर कर सकता है, आज हम इस बारे में गहराई से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मिस्टिका ओशियन हिंदी पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को एनकरेज कर दीजिए। लेकिन वीडियो को लाइक करने से पहले आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। 70 के दशक में ये अवधारणा प्रचलित थी कि अंतरिक्ष में मौजूद ब्लैक होल पूरी तरह से ठंडे और शांत होते हैं, और यहीं से स्टीफन हॉकिंग ने अपनी सोच से दुनिया को इस सोच में डाल दिया। इस थ्योरी को गलत साबित करते हुए स्टीफन हॉकिंग ने एक इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स दिया, जिसे आज भी सही तरीके से सॉल्व नहीं किया जा सका है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा हो सकता है भविष्य में इस पैराडॉक्स को सॉल्व किया जा सके। तो आखिर स्टीफन हॉकिंग्स ने क्या कहा था? दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा कि इन्फॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, यानी कि ब्लैक होल जिन मैटर और प्लैनेट और स्टार्स को अपने अंदर खींच लेता है, उन्हें इन्फॉर्मेशन के रूप में बाहर जरूर निकालता होगा, और इसी तरह से एक रेडिएशन ब्लैक होल से निकलती होगी, इसलिए ब्लैक होल कभी भी ठंडे नहीं हो सकते। स्टीफन हॉकिंग्स की इस थ्योरी को स्टीफन रेडिएशन कहा गया, और यह एक पैराडॉक्स है जो आज तक वैज्ञानिकों को उलझन में डाले हुए है, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर इतनी ज्यादा ग्रेविटी मौजूद होती है कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि प्रकाश भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता। जबकि स्टीफन हॉकिंग्स का कहना था कि ब्लैक होल इन इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालता है। स्टीफन हॉकिंग्स की ये थ्योरी साल 2019 में सही भी साबित हुई, जब ब्लैक होल की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई, और इससे ये बात साबित हो गई कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है, जो रेडिएशन को हमेशा बाहर निकालते रहते हैं। दोस्तों, इसे आसान शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि ब्लैक होल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है, जिसके कारण वो अपने पास आने वाली सारी चीजों को अपने अंदर समा लेते हैं, और इसके अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती। ये वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थ्योरी थी, और स्टीफन हॉकिंग्स ने इस थ्योरी को गलत बताते हुए एक पैराडॉक्स दिया, जिसके अनुसार क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक स्पेस में इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। मतलब कि ब्लैक होल के अंदर से किसी न किसी रूप से इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन बाहर आती है, जिसे ब्लैक होल अपने अंदर समा लेता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस प्रकार से स्टीफन हॉकिंग्स की इन थ्योरी से पर्दा उठा सकती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में जानने के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी इस बारे में जानते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड लाइट्स को आसानी से देख सकता है, चाहे ये लाइट कहीं से भी आ रही हो, यानी इनकी रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट इन लाइट्स को टेलीस्कोप तक आने से रोक नहीं सकती। स्टीफन हॉकिंग्स का कहना था कि ब्रह्मांड में जो डार्क मैटर मौजूद है, वो बिग बैंग के समय ही पैदा हुए ब्लैक होल है, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटी मौजूद होती है, जो बाकी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर ब्लैक होल नहीं हो सकते, क्योंकि ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब किसी स्टार्स या प्लैनेट का पूरा मास किसी बहुत छोटे से पॉइंट पर इकट्ठा हो जाता है, और उस समय उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण वो बाकी चीजों को अपने अंदर खींचने में सक्षम हो जाता है, और उसकी ग्रेविटी से प्रकाश भी बाहर नहीं जा सकता। जबकि डार्क मैटर का निर्माण ब्रह्मांड के ऑर्डिनरी मैटर से हुआ है। डार्क मैटर स्पेस की ग्रेविटी को भी इफेक्ट करते हैं, और ब्रह्मांड का होने वाला फैलाव यानी कि एक्सपेंशन में इन डार्क मैटर की बहुत बड़ी भूमिका है। इस बारे में हम अपने समय के अंत वाली वीडियो में बता चुके हैं। इतनी सारी चीजों को ठीक तरीके से पता करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी मदद कर सकती है। यदि ये आज से 13 बिलियन साल पहले देखने में सफल हुई, तो जिस समय ये बिग बैंग हुआ था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमें दूसरी सिविलाइजेशन से बचकर रहना होगा,
क्योंकि स्टीफन हॉकिंग्स का कहना है कि यदि कोई दूसरी सिविलाइजेशन इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है और हो सकता है वो सिविलाइजेशन हमें नष्ट कर दे। किसी दूसरे सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस हमेशा से ही इंसानों के लिए क्यूरोसिटी और रिसर्च का कारण रही है, जिस पर आज भी रिसर्च जारी है। 1964 में सोवियत संघ के एक वैज्ञानिक ने इस बारे में एक थ्योरी दी थी, यदि हमें ब्रह्मांड में किसी भी गैलेक्सी में तारों की संख्या उनकी एक्सपेक्टेड संख्या से कम नजर आए तो उस गैलेक्सी में एलियंस के होने की संभावना हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के मालिक हो सकते हैं। और इस गैलेक्सी में तारों की संख्या कम होने का कारण इन्हीं एलियंस के द्वारा इन तारों को अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना हो सकता है, यानी ये एलियंस इतने ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं जो स्टार्स की एनर्जी को भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एलियंस इन स्टार्स की एनर्जी को यूज़ करने के लिए इन स्टार्स को अपनी इन्वेंशन के द्वारा किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद कर लेते हैं और इसकी एनर्जी को यूज़ करते रहते हैं। इन स्टार्स से इनकी लाइट तो बाहर नहीं आ पाती, लेकिन आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर भी इनसे निकलने वाली रेडिएशन को रोक नहीं सकता और हमारी जेम्स वेब टेलीस्कोप इन रेडिएशन को आसानी से अब्जॉर्ब कर सकती है, जिससे कि हमें ऐसी किसी सिविलाइजेशन की मौजूद होने की जानकारी मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स हमेशा से इंसानों को किसी दूसरी सिविलाइजेशन के खतरे से आगाह करते रहे हैं, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि यदि ये एलियन एग्जिस्ट करते हैं तो इनकी रियल लिमिट्स क्या है और वो कितने ज़्यादा एडवांस है। हो सकता है एलियंस अपने प्रैक्टिकल्स के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, ये सारी मल्टीवर्स और एलियंस को लेकर कल्पनाएं जिन्हें साइंटिफिकली प्रूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जरा सोचिए यदि भविष्य में हमारे यूनिवर्स की तरह किसी और यूनिवर्स की खोज हो जाए जहाँ किसी दूसरी सिविलाइजेशन के लोग मौजूद हों, तब क्या होगा। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।